लॉन्ग टर्म शेयर सेल टेस्ट में। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे पहले उसके व्यवसाय को जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात कह दूँ कि ये कंपनी ऐसी है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 की सबसे बड़ी कंपनी है, और आप समझ गए होंगे उसके नतीजे भी आ चुके हैं। लेकिन समझ जाना और वीडियो स्किप कर देना, इग्नोर कर देना, ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ही कम रिस्क होता है और रिटर्न भी अच्छे खासे बन जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप सुरक्षित पैसा निवेश करना चाहते हैं, यहाँ मैं अभी आज जो मैं चर्चा करूँगा ऐसा नहीं कि आप तुरंत ख़रीद लें मतलब मंडे को, ऐसा कुछ नहीं है। पहले उसके व्यवसाय को समझें, पहले आप जानें कि क्या मेरी बात में थोड़ी सी दम है, आप भी रियलाइज़ करें क्या ऐसा हो सकता है, तो उसके बाद अपने हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा, वो बात की बात है। तो यहाँ पे मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, उस कंपनी के जो मालिक हैं, जो उसके प्रमोटर्स हैं, जो उनकी फैमिली, उनको भी नहीं पता होगा कि कितने बिजनेसेस हैं उनके पास। सेगमेंट्स पता होंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या हो रहा है, किस बिज़नेस से कितना वो आ रहा है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है, पूरे उनके एम्प्लॉयज़, टैलेंटेड लोग, प्रोफेशनल्स जो हैं सारे काम कर रहे हैं। वेल मैनेजमेंट, और उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे भी आ चुके हैं, वो भी मैं अपडेट करूँगा। लेकिन मैं क्या, मेरी क्या बिसात कि मैं उससे इतनी बड़ी कंपनी के इतने जितने इनके व्यवसाय हैं उस कंपनी के जो है आपके समक्ष टोटल जो उन्होंने प्रस्तुत किया है नतीजे वो मैं रखूँगा। एक वर्ष में देखिए 40% के कम से कम पॉजिटिव रिटर्न्स एक लार्ज कैप कंपनी दे चुकी है। 6 मंथ में 22% से ज़्यादा के जो है यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। और इस समय पे जबकि लोग कह रहे हैं कि भाई मार्केट प्रतिदिन जो है हाई पे हाई बनाए जा रही है, इन्हीं कंपनियों की देन है और इन्हीं का वेटेज ज़्यादा है निफ्टी में, तो उसी तरीके से एक तरफ माहौल डर का भी है कि जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं जितना अच्छा लार्ज कंपनियां कर रही हैं। और इस प्रतीक्षा में बहुत सारे लोग अपना फंड लेके बैठे भी हैं। अब ऐसे में क्या करें या क्या ना करें, तो लार्ज कैप कंपनियों में देखें तो काफ़ी भाग चुकी हैं, लेकिन कंपनी का जो मुनाफा है साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, सेल्स बढ़ती जा रही है, तो क्या करेंगे आप? आइए आगे बात करते हैं। देखिए ये कंपनी में जानने वाली बात है, सिर्फ आप इस नाम से जानते हैं कि सिर्फ रिफाइनरीज़ का ही काम करती है, यानी तेल का शुद्धिकरण, क्रूड ऑयल का और कई चीज़ें, गैस वगैरह ये जो भी हैं सब डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, तो नहीं, वो तो उनका टॉप सेगमेंट्स है ही। उसके अलावा भी जियो आप यूज़ करते होंगे, नया जो कदम रखने जा रहे हैं इन्होंने लॉन्च किया है ई कॉमर्स, जिसमें से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इन सबको टक्कर देने वाली है, वो भी देखना होगा। पहली बात तो इनके पास इनके जियो के जो कस्टमर्स है वो कस्टमर बेस है, तो इनको बहुत ज़्यादा वो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं करना, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मार्केटिंग में या उसमें कि बहुत सारे कस्टमर बेस बनाओ, ऑलरेडी हैं इनके जो मोबाइल यूज़र्स हैं या रिलायंस से जो जुड़े हुए हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जो कॉमर्स की कंपनियाँ होती हैं उनमें बहुत ही मार्केटिंग की आवश्यकता होती है, प्लस डिस्काउंट देने वाली कंपनियां होती तो उनमें बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होता, कर्जे पे ही हैं ऑलरेडी जो भी हैं, लेकिन फिर भी रिलायंस को इतने फर्क नहीं पड़ेगा। और रिलायंस की सबसे बड़ी खासियत है किसी भी बिजनेस में नया कोई सेगमेंट या शुरू करती है तो इनकी शुरू से पॉलिसी रही है ये भारतीय जो जनता है, भारतीय जो कस्टमर्स है उनका ये मूड जानती है। चाहे वो जमाने में जब मोबाइल सबके लिए दुर्लभ हुआ करते थे, एक हैंडसेट खरीदना जो है बड़ी बात हुआ करती थी, उस समय इतने 11,000 के मोबाइल 500 रुपये में पकड़ा दिए थे लोगों को और अनलिमिटेड बिल बनवाया था, उसके बाद उसको प्रीपेड में कन्वर्ट कर दिया था, जो लोग पुराने लोग हैं वो समझ गए होंगे। उसके बाद जियो आया, जियो में फ्री दे दिया, कुछ महीने तक आप फ्री यूज़ कीजिए, इनका ट्रायल भी चलता रहा, फ्री भी होता रहा, कस्टमर्स फटाफट जो है काफ़ी अच्छे बन गए। उसके बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी तरह ध्वस्त हो गई जो इनके कॉम्पिटिशन में थी, क्योंकि उनका मुनाफा घट गया, उन पर कर्जा चढ़ गया और ये 4G ले आए।
4G हैंडसेट भी बिक रहे हैं, इनके सिम्स भी बिक रहे हैं। इसी तरीके से समय समय पर इतने ज़्यादा इनके पास व्यवसाय हैं, और चाहे रिटेल रिलायंस रिटेल हो, चाहे क्रूड का हो, चाहे रिफाइनरीज का हो, चाहे जियो ई कॉमर्स का हो, बहुत सारे व्यवसाय हैं। अगर मैं व्यवसाय की एक लिस्ट पर डालूंगा तो पढ़ने में मुझे कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। इतनी सब्सिडरीज कंपनियां हैं, देखिए लाइन से लगी पड़ी हैं, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, रिलायंस नीदरलैंड बीवी, इतने सारे, देखिए मैं स्किप कर रहा हूँ इतने सारे अगर आपकी नज़र पड़ रही हो कि मैं कुछ कह नहीं सकता। रिलायंस फ्रेश, रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग, क्या क्या है, देखिए स्किप करता जा रहा हूँ लगातार। खुद बॉस को भी नहीं पता होगा कि अच्छा मेरी ये भी कंपनी है, हालांकि उनको मालूम होगा। तो कहने का एक तात्पर्य है कि इतने सेगमेंट्स हैं, इतने ज़्यादा इनके पास कंपनियाँ हैं, और हर व्यवसाय में घुस जाती है जिनमें इनको लगता है मुनाफा है। तो मोटा भाई इन द सेंस कि बड़े भाई को बोलते हैं गुजरात में, तो मोटा भाई का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ शरीर से ही मोटे हैं, वो दिमाग से भी बहुत बड़े हैं व्यवसाय में, जबकि उनके छोटे भाई उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए, जबकि उनके पास सोने की खान जो टेलीकॉम थी रिलायंस कम्युनिकेशन एक ज़माने में, तो उन्होंने कमाया होगा। एनीवेज वो सारी बातों को छोड़ते हुए करंट लेवल 52 वीक जो लो था इस कंपनी का 1095, हाई बनाया 1617, यानी कि कल का जो प्राइस था फ्राइडे, आज शनिवार है तो आज मार्केट बंद है, 1581 पे क्लोज हुआ NSE पे, और मार्केट कैप जो है आज की तारीख में 10,22,230 करोड़ की, मतलब एक ज़बरदस्त कंपनी लार्ज का। 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला पी रेशियो बता चुका 23, अर्निंग पर शेयर 66.22, प्राइस टू बुक 2.47, डिलीवरी 41% के, और डिविडेंड पे करता है। ठीक है, इन्होंने बोनस वगैरह भी दी हो, भी मैं मेंशन करूंगा। नतीजे अगर हम एक नज़र डालते हैं तो पहले हम दिसंबर 18 के क्वार्टर और दिसंबर 19 यानी साल दर साल कंसोलिडेटेड हम देख रहे हैं यहाँ पे मनी कंट्रोल की साइट पे, तो नेट सेल्स में पिछले वर्ष के मुकाबले अगर देखें तो 156,397 की हुआ करती थी, यहीं इस बार जो है 192,939, यानी ईयर ऑन ईयर थोड़ी सी सेल्स में गिरावट कंसोलिडेटेड दिख रहे हैं। ठीक है, शुद्ध मुनाफा अगर हम देखते हैं तो दिसंबर 18 10,352 करोड़, तो यहाँ पे दिसंबर 19 में 11,784 बढ़ के हो गए। वहीं अगर हम क्वार्टरली देखते हैं सितंबर 19 से क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में, तो नेट सेल्स में भी देखिए जहाँ पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़त है, पिछले क्वार्टर में थी 1,48,000 करोड़, और नेट प्रॉफिट भी था 11,298 तो 11,784 हो गया बढ़ के। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में मुनाफा, क्वार्टरली मुनाफा, ईयर ऑन ईयर सेल्स में थोड़ा सा ज़रूर है लेकिन क्वार्टरली बहुत ज़बरदस्त। तो इतनी दिग्गज, इतनी बड़ी कंपनी के लिए क्वार्टर दर क्वार्टर, साल दर साल सेम वो सेल्स और मुनाफा मेंटेन करना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है इस दिग्गज कंपनी को लेके। अगर हम देखते हैं एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है, तो इस तरीके का इनका जो कामकाज है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ई कॉमर्स या जितने भी इनके व्यवसाय हैं बढ़ते ही जाएंगे। बीच में देखिए उतार चढ़ाव लगा रहता है, ओवरऑल पूरे मार्केट को देखते हुए, पूरे गवर्नमेंट की रणनीति को देखते हुए, सरकार के बजट को देखते हुए, क्योंकि अल्टीमेटली जुड़े तो कस्टमर्स से ही हैं ये लोग सारे, तो बिजनेस टू बिजनेस भी इनका व्यवसाय है, बिजनेस टू कस्टमर भी इनका व्यवसाय है कुछ सेगमेंट्स में। तो ये है आज रिलायंस के बारे में मैंने आपको अपडेट किया। चलिए हम कुछ देखते हैं कि बोनस इसने जो है कब दिया था। अभी भी 10 की फेस वैल्यू वाला है, बोनस इन्होंने दिया था 2017 में, देखिए जिसके पास जितने भी शेयर रहे होंगे वो डबल हो गए। ठीक है, और 6.50 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड भी दिया था, डिविडेंड देती रहती। तो एक बढ़िया कंपनी, सुरक्षित कंपनी। हाँ, अब ये देखना पड़ेगा जो लोग अपने पोर्टफोलियो में इसको नहीं रखें और चाहते हैं कि भाई इसको जो है हम रखें अपने पोर्टफोलियो में, तो एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रतीक्षा की जा सकती है, क्योंकि काफ़ी भाग चुका है प्राइस वाइज थोड़ा सा,
और बहुत लंबा समय जिनका है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ शेयर्स ही रखें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मिला जुला अपना पोर्टफोलियो रखें, कुछ लार्ज कैप कंपनियाँ, कुछ स्मॉल, कुछ मिड, कुछ माइक्रो कैप भी रख लें जिनका बिज़नेस आपको अच्छा लगता हो। समय समय पर मैं वीडियोज़ जो है बनाता रहता हूँ। तो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में मैंने आज अपडेट किया, नतीजे और थोड़ी सी बातचीत भी की कि आने वाले समय में किस प्रकार से ये काम काज कर रही है, आपको जो है फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। और आप लोग चाहें तो मेरे वीडियोज़ पर जाके अपने अपने पसंदीदा कंपनियों के बारे में, जैसे बनाता रहता हूँ समय समय पर डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, देखें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई सुझाव हो तो ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।